हेलो एवरीवन, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ करेले की सूखी सब्जी, जिसको हम अलग ही तरीके से बनाएंगे। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं 1 केजी करेला ली हूँ, जिसको अच्छे से छील के गोलाई में काट लिया है। आप चाहें तो कोई भी साइज का काट सकते हैं। इसको सबसे पहले हम उबालेंगे। उबालने के लिए मैंने यहाँ पे एक कुकर लिया है, उसमें सारे करेले अच्छे से डाल लेंगे और आधा चम्मच नमक और थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे और 1 गिलास पानी डाल के 2 सीटी आने तक पकाएंगे। ये देखिए हमारा करेला अच्छे से उबल गया है। अब इसको इसको सारा पानी अलग से निकाल लेंगे। ये कोई स्ट्रेनर में भी आप छान सकते हैं। ये देखिए सारा पानी निकाल लेने के बाद हम आगे का प्रोसेस करते हैं। इसको फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, उसमें 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। अब यहाँ ऑयल गर्म होने के बाद 1 चम्मच सरसों, आधा चम्मच जीरा, सबको अच्छे से गर्म होने देंगे और थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करेंगे। हमने करेले को उबालते टाइम भी हल्दी यूज किया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम यूज करें। अब उबला हुआ करेला डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। गैस का फ्लेम हाई रखें। करेले को 2 मिनट भून लेने के बाद हम यहाँ पे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा लाल मिर्च पाउडर है, और थोड़ा सा नमक। नमक हमने पहले भी करेले को उबालते टाइम ऐड किया था, तो यहाँ पे ध्यान से ऐड करें। और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, सबको अच्छे से मिला लें। अच्छे से मिला लेने के बाद अब हम इसको तवे में डालेंगे। उसके लिए यहाँ पे कोई सा भी एक तवा लीजिए, उसमें सारा कलेरा उसी में डाल दीजिए, और कुछ डालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही डाल दीजिए। सबको अच्छे से फैला लेंगे और इसको मीडियम आंच पे तलेंगे। बीच बीच में चम्मच चलाते हुए तलें। 2 मिनट हो जाने के बाद एक बार ऐसे ही पलट लें सबको। देखिए हमारा करेला अच्छे से भून चुका है। अब ये जरूर ट्राई कीजिए, हम सभी को बहुत ही पसंद आएगा। इस तरीके से बनाएंगे तो बड़े बच्चे भी करेले की सब्जी खाएंगे। ये रेसिपी पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।